अभी कुछ दिनों पूर्व दो बाघों की मौत के बाद भड़कम मच गया था और पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन सकते में आ गया था, लेकिन आज पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन P141 ने मंडला रेंज के अंतर्गत दो शावकों को जन्म दिया है। यह शावक बाकायदा कैमरे में कैद हुए हैं। शावक 2 से 3 माह के बताए जा रहे हैं। बाघिन P141 अपने बच्चों को लेकर नया ठिकाना ढूंढ रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 शावकों का जन्म हुआ है और 75 से अधिक बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गए हैं। बता दें कि जैसे ही बाघिन के 2 शावकों के जन्म की खबर आई, प्रबंधन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन के द्वारा बाघिन और उसके 2 शावकों की निगरानी की जा रही है। दोनों शावक स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ये P141 बाघिन है जिसने 2 बच्चों को जन्म दिया। अभी कल ही हमारे पास में उसकी फोटो आई है बच्चों के साथ में। एक टूरिस्ट द्वारा फोटो ली गई है। बच्चे लगभग 2 से 3 माह के लग रहे हैं फोटो देखते हुए, और ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाघिन और बच्चे दोनों ही स्वस्थ हैं। हम लोगों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि 2 नए मेहमानों का आगमन पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ है, और ये हमारा P141 ऐसे टूरिस्ट क्षेत्र में रहती है, तो सामान्यतः टूरिस्ट क्षेत्र में यदि बाघिन बच्चों के साथ होती है तो वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट भी होता है। सर, कितनी खुशी की बात है, कितने टाइगर हो गए? हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और जहाँ तक एक मोटा मोटा हमारा आकलन है कि लगभग 75 के आसपास बच्चों को मिला के हम पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बाघों की संख्या होनी चाहिए।